फील लग रहा है क्या? तो चलते हैं थोड़ी थोड़ी आगे की ओर, ज्यादा आगे नहीं जाने वाले हैं। ओ भाई, अभी मैं पापा और तो वापस फिर से नहा के आ गए हैं, काफी मजा आया था हमको। हेलो गाइस, तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप आगे व्लॉग में देखोगे कि मैं समुद्र पे नहाने के लिए गया, मैंने पिछले 4-5 सालों में कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाया। मैं कभी भी, मेरे को 100% श्योर हूँ कि मैं खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं नहाया। लेकिन कल जब मैं वहाँ पे नहाने के लिए गया तो खाना खाते ही जस्ट 5-10 मिनट बाद में मैं फिर से वहाँ पे समुद्र में नहाने के लिए चला गया। तो मेरी तबीयत आज डाउन हो गई है काफ़ी, दिन में 2 से 3 बार सो चुका हूँ आज। लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार तबीयत थोड़ी ख़राब है, बुखार सी है थोड़ी, मतलब इतने सालों में कभी नहीं हुआ, और मेरे साथ पहले भी हुआ था कुछ ऐसा। तो मैंने उसके बाद में टाइम पे पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया कि मैं खाना खाने के वही 1-1.5 घंटे बाद में मेरे को नहाना। तो कल मैं तुरंत ही नहा लिया, तो थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है। तो ये वीडियो मैं जस्ट अगले दिन बना रहा हूँ, मैं कल गया था लेकिन आज बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप एंजॉय कीजिएगा व्लॉग को। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खाने के तुरंत बाद कभी ना नहाएं वरना बहुत सी प्रॉब्लमों का आपको सामना करना पड़ेगा। आज हम सभी जा रहे हैं नहाने के लिए, वो भी घर से बाहर, मतलब हम जा रहे हैं समुद्र में नहाने के लिए। चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अभी हमारी ये बैग तैयारी है जिसमें सारा सामान डाला हुआ है और पानी बोतल हमने ले लिया साथ में, और अभी चलते हैं घर से बाहर गाड़ी की ओर और फिर चलते हैं समुद्र पे नहाने के लिए। ये इसको खोलते हैं, ये पापा की स्कूटी यहाँ पे और मैं जाने वाला हूँ इस गाड़ी में और पापा मम्मी जाने वाले अगली गाड़ी में। जयपाल जी, क्या हाल है आपके? रेडी हो आप जाने के लिए? कैसा फील कर रहे हो जाने से पहले आप? ज़बरदस्त। तो ये हमारे अगली गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो मम्मी पापा और सिस्टर जाएंगे इस गाड़ी में और मैं जाऊंगा इस वाली में। तो अभी डाल दें सामान गाड़ी के अंदर, तो अभी चेक कर लेते हैं घर पे गेट वगैरह ताला दे देते हैं यहाँ पे। और तो अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय घर करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट गाड़ी के ड्राइवर के पिताश्री यहाँ पे आ गए हैं अपना सामान डालते हुए अंदर। तो हमने यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी ले लिए बैठने के लिए। तो गाइस ये देखो, ये आ रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब सामान लेते हुए। इस गाड़ी में जा रहे हैं मैं, राजेश और राजेश के पापा। अभी हमने जयपाल जी वाली गाड़ी यहाँ पे लगा दिया, राजेश की गाड़ी यहाँ पे लगा दी, एक गाड़ी और जाएगी हमारे साथ में, तो हम तीनों यहीं से साथ में होके निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी इकट्ठे हो रहे हैं सभी, ये पार्क है। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं गाड़ी पार्क में, और पापा जो आए थे दूसरी गाड़ी में, तो पापा और सभी एक हो गए हैं, आ गए हैं पास में। तो फाइनली समुद्र के किनारे पे पहुंच गए हैं, कुछ ऐसा व्यू है। तो अभी थोड़ी देर में नहाने भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जगह देखने के लिए, मतलब हम जो अम्ब्रेला लेके आए थे तो उसको लगाने के लिए जगह देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पीछे लगे हैं वो सारे बुकिंग वाले हैं, होटल वाले हैं, तो हम अपना सारा सामान घर से लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे जगह मिलती है क्या। देखो भाई क्या नहा रहे हैं यार लहरों के साथ में। फाइनली हमको यहाँ पर जगह मिली है जहाँ पे आप मेरी परछाई देख रहे हो, और यहाँ पर हम जस्ट सामने नहाने जाएंगे। तो फाइनल नहीं है अभी भी, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पैर भी देखो गंदे हो गए, अभी पानी आया ना पैरों के ऊपर, तो और यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा पानी, तो यहाँ पे नहाएंगे। और अभी देखो क्या वहाँ पे सामने लहरों के साथ में कैसे नहा रहे हैं, इधर बच्चा पार्टी नहाते हुए। तो अभी सभी फैमिली वाले आ गए, यहाँ पे छत्ता वगैरह लगाएंगे और जस्ट यहाँ सामने नहाएंगे। तो मैं अपने थोड़े पैर धो के आ जाता हूँ, तो अभी थोड़े पैर धो लेता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ पैर धोने के लिए।
हेलो क्या हुआ? हेलो तो अम्मी ये जगह छोड़ रहे हैं यहाँ से और फिर से स्थानांतरण करते हुए हम ये है नैमिचल जी जो हमको डायरेक्शन देने वाले हैं और ये राजेश इधर पापा और ये राजेश के पापा जी और इधर मम्मी और बहन आते हुए और कुछ ऐसा सीन है यहाँ से देखो कितनी गंदी हो गई मेरी चप्पल और पापा की भी होगी अंकल की भी होगी। ये देखो कितनी भीड़ है यार यहाँ पे। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी यहाँ पे हमको ये जगह मिल गई है, यहाँ पे लगाने वाले हैं हमारा छत्ता और सभी लोग तैयार हैं नहाने के लिए। तो अभी इस जगह को साफ कर रहे हैं और पापा यहाँ पे लगा रहे हैं छत्ता। चलो अंकल जी नहा के आ गए, इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बढ़िया है, नीचे पानी गर्म है ऊपर ठंडा है। तो नॉर्मल कैसा लग रहा है आपको, ठंड लग रही है? तो चलो फिर हमारे साथ में चलो डुबकी मारते हैं। तो गाइस मैं और राजेश तो चले नहाने के लिए। राजेश कैसी फील हो रही है? अच्छी फील हो रहा है, देखते पानी कैसा है। अच्छा चलो फिर चलते हैं, फोन का थोड़ा डर रहा। तो आ गए हम पानी के अंदर, देखो तो दावा लग रहा है गाइस। क्या लग रहा है? दावा की लग रहा है, इसकी लग रहा है क्या? तो चलते हैं थोड़ी थोड़ी आगे की ओर, ज्यादा आगे नहीं जाने वाले। ओ भाई लहरें आगे जाएंगे। तो अभी एक बार तो नहा के आ गए, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ब्रेकफास्ट करके फिर नहाने के लिए जाएंगे। पानी मेरे तो नाकों में आंखों में चला गया। तो गाइस अभी खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ है, अभी खाना ब्रेकफास्ट जो भी आप समझो वो कंप्लीट हो गया है। ये मैं आ गया हूँ समुद्र के अंदर और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, पानी भी अच्छा है, साफ है और यहाँ पे बच्चे और तैर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं पे मेरा गिर ना जाए फोन। अभी आ गया हूँ मैं समुद्र में, थोड़ा पास में है, ज्यादा पास में नहीं, इतना कि मेरा हाथ और पैर अच्छे से टिक जाए और मैं कैमरा भी पकड़ सकूं और ये लहरें लगती हुई मेरे को फोन ना गिर जाए, बस यार इतना ही डर है। अभी मैं पापा और तो वापस फिर से नहा के आ गए हैं, काफी मजा आया था हमको, लेकिन अभी जा रहे हैं वापस घर पे। काफी हवा चलने लगी और लहरें भी थोड़ी तेज हो गई, इसलिए अभी जा रहे हैं घर पे वापस। ये नहाना धोना कंप्लीट हो चुका है, अभी जा रहे हैं घर की तरफ, ऐसे ही जाएंगे घर पे और घर पे जाके नहाएंगे। मेरे तो पूरे चप्पल पैर सारे गंदे हो रहे हैं इस रेत में और सभी ऐसे ही जा रहे हैं, पापा भी बिना टी शर्ट के। तो अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर, घर पे जाके नहा धोई करेंगे और राजेश ने ड्रेस चेंज कर लिया है, इसको गाड़ी चलाने दी। 2 hours later अभी आ गए हैं पार्क में, आज फुल एनर्जी के साथ में फुटबॉल खेलेंगे मस्त वाला। तो आज इस फुटबॉल में थोड़ी हवा भर दी है जिसकी वजह से मस्त पंप आया है इसमें, तो मारते हैं इसे। इंजन सा है ऊपर, वो पंप क्या है उसके वजह से उड़ रहा है, एक या ज्यादा से ज्यादा दो बंदे ग्लाइडर है, प्लेन नहीं है। कुछ बर्थडे होता है या कुछ होता है तब ये लेके जाते हैं और ऐसे मतलब अपना करते हैं, जैसे अपनी स्थापना करते हैं ना घर पे, स्थापना करते हैं कृष्णा जी की या ये गणेश जी की, तब वैसे ये करते हैं, बर्थडे होता है उस दिन। ये सारे प्रीस्ट हैं, सब ने मतलब पढ़ाई कर रखी है यूनिवर्सिटी से इस बारे में। अच्छा रैली से निकाल रहे हैं, बड़ी कितनी शांति से निकाले, बहुत लंबी भीड़ होती है, कोई शांत तो है, सेंट जैसे होता है अपने साधु होते हैं, साधु नहीं सही हो ये जैसे संत होते थे पढ़े लिखे एकदम बिल्कुल वैसे, इन्होंने सबने ग्रेजुएट और ना वहीं पर। ओ भाई पैर भीज गए गाइस। तो अभी जा रहे हैं जगह देखने के लिए और जितने भी पीछे हैं, अरे भाई दुबर भीज गए यार, कहीं आ रही है ऊपर साल। तो अभी हम जा रहे हैं जगह देखने के लिए, लोग मना माटे।